जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आपका भाई राहुल शर्मा। आज की यह वीडियो है एक फटे हुए कोंडम की नाजायज औलाद के लिए। प्रशांत बुद्ध करके जिसका नाम है, जो हमेशा बागेश्वर महाराज को टारगेट करता है कुछ ना कुछ कह के। पहले इसकी ये भड़वे की वीडियो देखिए। बागेश्वर धाम वाले बाबा आपने देखे होंगे, देखे है ना, वो क्या करते हैं? चमत्कार। कौन सा चमत्कार? किसी को पंडाल में बैठे हुए हैं, बिना उससे कुछ पूछे उनके पर्ची लिख देते हैं। तो चमत्कार चमत्कार करके जो है ना, आप पैसा मत दे के आओ। तो ये भड़वा बोल रहा है चमत्कार चमत्कार चमत्कार, रंडियों की तरह, जीवी रोड की तरह दांत फाड़ रहा है और हाथें हिला रहा है, जैसे कि इसे एड्स की बीमारी हो। प्रशांत बुद्ध को इस तरह से हाथ हिला रहा है। तो मैं इस भड़वे से कहना चाहता हूं, प्रशांत बुद्ध, पहली बात तो ये सुन, हमें भी पता है ये चमत्कार नहीं है, तेरी नजर में बहुत चमत्कार है कि तेरा अब्बू जान बिना आए हुए और 9 महीने बाद तेरे अब्बू जान को पता पड़ गई कि तू पैदा हो गया, यानी कि किसी का कोंडम फट गया था उससे तू पैदा हो गया। ठीक, वो चमत्कार था, ये चमत्कार नहीं है तेरी नजरों में। ठीक, पहली बात तो ये सुनो। और दूसरी बात, भड़वे एक बात बता, सुनो, प्रशांत के आगे ये बुद्ध शब्द हटा दे। बुद्ध एक भगवान का शब्द है, बुद्ध एक हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जिन्होंने आदर्श करते थे, जिन्होंने एक हिंदुत्व को नई राह दिखाई है, बुद्ध उनका शब्द है। पहले तो डल्ले इस बुद्ध शब्द को हटा दे। और दूसरी बात, प्रशांत बुद्ध एक बात बता, अगर तुझे अगर इतना ही मतलब ज्यादा वो सनातन धर्म से वो है, तो अपना नीचे से कटा ऊपर लगा और जाके देख ले दूसरे मजहबों में। समझ में आ रही है प्रशांत बुद्ध? तरीके से बात सुन, तू क्या चाहता है, तू किस धर्म को फॉलो करता है? प्रशांत बुद्ध, तू उस धर्म को फॉलो करता है जहां पर बहनों को भी बेगम जान बनाकर उनके साथ हलाला के नाम पर कुकर्म किए जाते हैं, तू उस जगह को फॉलो करता है। तू बुद्ध को नहीं फॉलो करता है, बुद्ध भगवान को फॉलो नहीं करता है। अगर बुद्ध भगवान को फॉलो करता तो बहन के दीने इस तरह से सनातन धर्म के बारे में मजाक नहीं उड़ाता। और सुन दूसरी बात, बागेश्वर धाम महाराज के बारे में अगर तू अब के अशब्द बोला ना, जिस जो तेरी हरकतें हैं, तो साले जूतों से पिलाई होगी, जूतों से ध्यान रखना। तू लिमिट में रह ले, तरीके से रह ले, तू हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करता है प्रशांत बुद्ध। तो तरीके से एक बात जान ले, अब तेरे बारे में आ गए हैं हम खुलकर। समझ में आ गई ना, हम खुलकर आ गए हैं। अगर तू बागेश्वर धाम महाराज के बारे में कुछ भी बोलेगा, चाहे हिंदुत्व के बारे में कुछ भी बोलेगा, पर जहां भी मिलेगा वहां पर तेरी खातिरदारी अच्छे से कर दी जाएगी। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब तो तुझे बातों से जवाब दिया जा रहा है, फिर पता नहीं किस चीज से जवाब दिया जाएगा। तो तरीके से और ध्यान से, समझ में आ गई ना? भगवान बुद्ध का नाम बदनाम मत कर। हिजड़े चक्के की औलाद, पता नहीं कौन से कोंडम फट गया था, वहां से तू पैदा हो गया नाजायज औलाद। बागेश्वर धाम महाराज के बारे में एक अपशब्द नहीं सुनेंगे। समझ में आ रही है या नहीं आ रही? प्रशांत बुद्ध, तरीके से और ध्यान से। और हिंदू भाइयों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना, ताकि इस भड़वे तक ये आवाज पहुंच जाए, इस हरामी तक ये आवाज पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना और बागेश्वर महाराज का सपोर्ट करना, क्योंकि बागेश्वर महाराज सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए और इंसानियत के लिए बहुत कुछ करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, सब काम करते हैं। और जय बागेश्वर धाम महाराज की। और प्रशांत, वो प्रशांत तेरी साकी नाका और हलाला रहेगा, जिससे तू पैदा रहा है उसका रहेगा। समझ में आ गया?